एक ही हैं, एक परिवार के हम लोग सब आए हैं। और वो सारी दुनिया में होता था, सिर्फ यहाँ नहीं, वर्ल्ड टूर। आखिरी टूर करते थे खजाना में, ये बहुत बड़ा लॉस है, इससे पर्सनल लॉस है। बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें हमने कई बार वक्त बिताया है, जो हर कोई कहता है व्हाट अ सॉफ्ट स्पोकन ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। ऑफकोर्स हर कोई ये तो जानते ही हैं कि पंकज जी के गाने, उनके गज़लें, उनके उनके जो लाइव शोज़ होते थे, जो गानों के बीच में उनकी जो बातें होती थी, द ग्रेस, द स्टाइल, द यू नो सोफिस्टिकेशन दैट ही ब्रॉट टू हिज पर्सनैलिटी वॉज एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड। लेकिन साथ साथ उनमें जो एक एक हल्की सेंस ऑफ ह्यूमर थी, लेस इज़ मोर जो एक मंत्रा था, चार भी बातें करते थे तो उसमें एक अलग ही एक सादगी थी, और किसी भी स्ट्रेस में, किसी भी किसी के लिए कोई गलत थॉट सोच बिल्कुल नहीं रखते थे। मेरे मेरे पिताजी के टाइम से मैं उनसे टाइम कनेक्शन में था, कुछ जब वो कॉलेज में थे, वो कोई मेरे पिताजी तब जज होकर वो फर्स्ट प्राइज तब से जीते थे, और वो बात वो कई बार मुझे बताया भी थे, और दैट वाज़ अ लिटिल के मैं बोले पंकज जी मैं आपको तब से जानता हूँ, मतलब ऑब्वियसली आई वाज नॉट बॉर्न येट बट व्हाटएवर, वो एक पुरानी मेमोरी है, और उनके गाने, उनकी बातें हमेशा हम याद रहेंगे, और यही एक इस श्रेणी के जो आर्टिस्ट होते हैं उनके गानों के ज़रिए यू नो आज ही देखिए द होल म्यूज़िक फ्रेटर्निटी इज़ हियर बिकॉज ऑफ द पर्सन ही वाज। बहुत प्यार से याद करेंगे हमेशा, लेकिन वही है कि मुझे बहुतों को हमको इतना पता नहीं लगा कि इतने बीमार थे, वो सबसे दुख की बात वो लग रही है कि काश पता होता तो थोड़ा सा और मिल लेते, वो रह गया। इतना जल्दी मुझे पता नहीं था कि ऐसा इतने बीमार है। एक्चुअली हम लास्ट शायद बात हुई लेकिन खजाने में मिले थे हम, खजाना जो हुआ था कौन सा, हाँ एक साथ बैठे थे उस दिन भी, उनकी तबीयत ख़राब थी, एक साथ ही गा रहा था, फिर सबने बोला कि तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब है ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ मुझे नहीं पता था, अपेरेंटली तभी से ही काफ़ी ख़राब है उनका। उनकी शख्सियत की कौन सी सबसे ज़्यादा बात याद आएगी? इंसान मतलब है, लेजेंड्स बहुत सारे लेजेंड्स हम खो रहे हैं धीरे धीरे, इन पंकज जी के साथ एक कुछ घर सा था मेरा, नायाब यार पूरी फैमिली उनकी, वो दिखता है उनका जो एक ग्रेसफुलनेस था, जो एक इंसान होता है ना, एक खूबसूरत इंसान थे बहुत ही, और मतलब बचपन हमारी अब एक कहने की बात भी नहीं है, बचपन सबकी बचपन उनके गज़लों से उनके गीतों से बीती है, बहुत सारा मेमोरीज बचपन का वही है सबके, आई थिंक पूरे इंडिया में सबके हमारे एज के सबके बचपन में उनका हिस्सा है सबके जीवन में। लेकिन इंसान जब मैं मिला उनसे, अब मिला हूँ कुछ सालों से, 8-10 सालों से एक रिश्ता सा है, जैसे फ़ोन करते हैं, जैसे हंसते हैं, इतनी बड़ी हस्ती है लगता ही नहीं है, लगता है कि अपने हैं सबके लिए, दैट ग्रेस जो आर्टिस्ट में होना चाहिए उनमें भर के था, बहुत अच्छे इंसान थे, तो दैट इज़ अ बिगर लॉस। म्यूजिक इंडस्ट्री को कितना बड़ा लॉस है? बहुत बड़ा लॉस है, मतलब ये तो आपको भी पता है, ये कहने की बात ही नहीं, और अपने आप में इंस्टीट्यूशन थे ना, ऐसा कोई नहीं था ना कि फिल्मों की ज़रूरत थी, ये इसका ज़रूरत था, अभी हम इंडी म्यूज़िक करते हैं ये कहते हैं, नॉन फिल्म म्यूज़िक होते हैं, इन्होंने पूरा उम्र अपने गीतों से ही सोल्ड आउट कॉन्सर्ट था उम्र भर, तो ये ऐसा कितने आर्टिस्ट होंगे, और बहुत बड़ी बात पंकज जी के हम बहुत क्लोज थे, और कमाल की बात है कि हम उनके गाने सुन सुन के बड़े हुए हैं, और फिर उनके दोस्त बन गए थे, और ख़जाना में रेखा तो 10-15 साल से उनके साथ गाती है, मैंने भी 2 बार गाया है। इतने खूबसूरत इंसान और इतने अजीम फनकार, ये कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल होता है कि एक आर्टिस्ट भी उतना ही बड़ा हो और इंसान भी उतना ही बड़ा हो, तो ये बहुत बड़ा लॉस है, और ग़ज़ल के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि जब ग़ज़ल यहाँ पर नहीं थी, जब फिल्म म्यूज़िक का पूरा दबदबा था, उस बीच में पंकज जी ने आके यू नो गज़ल को आगे लेके आए थे हिंदुस्तान में, तो बहुत बड़ा उनका लिटरेचर के लिए, गज़ल के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है, और ये बहुत बड़ा लॉस हम सब के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं कहूँगी पर्सनल लॉस है। मेरे लिए तो पर्सनल लॉस भी है क्योंकि उनके साथ इतना वक्त गुजारा और उसमें गाने के साथ साथ जो उनकी विजडम, उनकी ह्यूमिलिटी और पेशेंस, मैंने कभी उन्हें किसी के बारे में बुरा नहीं सुना। आप लोग बातें कर लीजिए फिर करेंगे। अरे नहीं नहीं मैडम, कर रहे थे नायाब जो उनके साथ लग के इतना काम किया है कि ना ही सिर्फ गज़ल को आगे लेके आए हैं, गज़ल को ज़िंदा रखा है, उसके साथ साथ थैलेसेमिया और कैंसर पेशेंट्स के लिए इतना काम किया, इतना फंड इकट्ठा किया है। और यही वजह है कि हम सब लोग साथ जुड़े रहे हैं और ख़जाना उनके बिना इमेजिन करना बहुत मुश्किल लग रहा है और मालूम नहीं कैसे होगा, पर टाइम शो के ही विल बी गाइडिंग अस फ्रॉम वेयर एवर ही इज़। सो इट्स अ पर्सनल लॉस एंड इट्स अ लॉस आर्टिस्टिक लेवल पे, गायकी इंसान के तौर पे, और बहुत अच्छे दोस्त हमने खो दिए। ये मेरा हरा वाला जो शर्ट पहना है ना, ये तुम्हें आगे मत आओ। कविता किधर चली गई? कविता उधर विशाल भरद्वाज के साथ उधर गया था ना ऊपर से लेने के लिए। कौन है
अरे बाजू बोलो भाई। अरे रवि भाई जाकर होते हैं प्लीज है साइड हो। अरे यही चीज अच्छा नहीं लगता है। मतलब तुम लोगों को बोल रहा तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बजा फोन किसका है ऑडियो मस्त आ रहा है। हो जाएगा तो बंद कर दो। अरे कहाँ आगे जा रहे हैं? ये देखो ना समझ सकते हो। चलो बंद कर चलो भाई चलो। पीछे मत ओ तुम ही मांगे है ना आगे आंदोलन उनको अम्बानी जान दो साइड से जान दो राइट से पलीकड़े
पूजा का सामान ले लिए, पूजा का सामान ले लिए क्या? पूजा का सामान इधर इधर है, ले लीजिए। बस अंदर हो जाए। विशाल 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 पूजा का सामान विशाल विशाल